दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, आरपीएससी ने अभी एक न्यूज दी है कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 जो हुई थी, उस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जल्द घोषित किया जाए। राज्य सरकार से इसने अभी राज्य सरकार ने अभी मंजूरी मांगी है इसके परिणाम जारी करने के लिए। देखिए, जो राज्य सरकार का जो कार्मिक विभाग है, उसने राजस्थान का जो उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया है और उसमें इन्होंने अनुमति मांगी है कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 जो हुई थी जून के अंदर, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करने दिया जाए हमें। और देखिए, ये आरपीएससी ने अभी जो रिजल्ट लिया, ये जो एग्जाम लिया था आरएएस भर्ती परीक्षा का, जो आरएएस की जो परीक्षा हुई थी 2018 की, इसको 2019 में कराया गया इसका मेंस का पेपर। इससे पहले जो इसके प्री का जो पेपर हुआ था, उसमें भी आपके लिए बहुत दिक्कतें हुई थी। इसके अंदर आरपीएससी को बहुत फेस करना पड़ा था बहुत प्रॉब्लम्स का, और क्योंकि इसमें जो ओबीसी की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें थी, तो इसमें ओबीसी के अदर कैटेगरी के जो ओबीसी के स्टूडेंट थे उनको जोड़ा गया था बाद में। और फिर उसके बाद में इन्होंने दोबारा से, पहले आपके जनवरी में परीक्षा होने वाली थी 2019 में, लेकिन फिर ये उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया था और उसके बाद में ये जो आपकी जून के अंदर परीक्षा हुई थी। देखिए, आरएएस भर्ती जो निकली थी 2018, ये भर्ती जो निकली थी, इसके बाद से ही अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली, क्योंकि इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब जो राजस्थान सरकार का जो कार्मिक विभाग है, उसने अभी राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर इन्होंने अभी एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने, और उन्होंने अनुमति मांगी है इस रिजल्ट के लिए कि ये रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि आगे की भी हम भर्तियों को निकाल सकें, आगे की भर्तियों को हम प्रक्रिया को जो है भर्ती प्रक्रिया उनको भी पूर्ण रूप से सही ढंग से चला सकें। तो देखिए, क्या रिपोर्ट जो इन्होंने दी थी आज, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आरएएस मुख्य परीक्षा राजस्थान, राज्य सरकार ने मांगी परिणाम जारी करने की मंजूरी, और आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा के मामले में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है। इसमें परीक्षा का जो परिणाम जारी करने की जो अनुमति मांगी है, और इससे पहले आरपीएससी ने भी अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी। देखिए, इन्होंने पहले भी एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें भी इन्होंने ये परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उस वक्त इसमें कोई इसका नहीं निकला था, निर्णय नहीं किया गया था कि रिजल्ट जारी किया जाए या नहीं किया जाए। उच्च न्यायालय ने मैं इन प्रार्थना पत्रों पर 10 जून को दोबारा से सुनवाई होनी है। देखिए, 10 जून को ये जो भी जितने भी प्रार्थना पत्र अभी दिए हैं कार्मिक विभाग ने, उनके ऊपर 10 जून को अभी सुनवाई होगी, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इस सुनवाई में। और राज्य सरकार के जो एएजी जो सत्येंद्र सिंह राघव है, उन्होंने बताया कि अदालती आदेश की पालना में अधिक अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी के तहत मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया था। ये देखिए, ये वही मुद्दा है जो ओपन कैटेगरी के तहत इनको मुख्य ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो शामिल किया गया था। आपको पता होगा 2019 में ये एग्जाम होने वाला था, 2019 की जनवरी में मेंस जो होने वाला था, लेकिन ये जो दिसंबर की बात करें, दिसंबर में पहले डेट दी, फिर उसके बाद में जनवरी डेट दी, और फिर उसके बाद में जून में जो एग्जाम हुआ इसके लिए, और दिसंबर में जो एग्जाम होना था उसके अंदर इनको पहले ही बता दिया गया था कि भाई इसमें ओबीसी के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल किया गया था, और उन स्टूडेंट को शामिल करने की वजह से ये रिजल्ट, ये जो पेपर मेंस का पेपर आपका पोस्टपोन हुआ था, बार बार पोस्टपोन हुआ। अब यहाँ पर भी वही चीज है, ओबीसी कैटेगरी के ओपन कैटेगरी के तहत मुख्य परीक्षा में इनमें शामिल कर लिया था, और वही मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। देखिए, मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन हो चुका है, कहने का मतलब यह है कि आपकी मेंस की जो कॉपियां हैं वो सारी सारी आपकी चेक हो चुकी है, बस अब रिजल्ट आने में ही है। ठीक है, अफसरों की कमी को देखते हुए, अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 से सभी चीजें अभी एक बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है पूरा, और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कार्मिक विभागों की जो ऑफिसर की कमी है, और ऑफिसर की कमी की वजह से मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जरूरत पड़ रही है अफसरों के लिए, और अफसरों की जो जरूरत पड़ रही है इसी को देखते हुए इन्होंने बोला है कि भाई हमें अफसरों की जरूरत है और उनके लिए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होगा, तो नई भर्ती में जो विद्यार्थी आएंगे उनको हम इसमें ऑफिसर ग्रेड के जो ऑफिसर ग्रेड के जो विद्यार्थी जो सिलेक्टेड होंगे उनको हम जल्द से जल्द नौकरी भी दे देंगे, ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें अब ये रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है आरएएस मेंस का, आरएएस मेंस की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपकी कॉपीज जो है, जितनी भी कॉपी है वो चेक हो चुकी है, और 10 जून को जो सुनवाई होगी उसके बारे में आपको देखना है उसका रिजल्ट जो निकलता है सुनवाई के अंदर क्या। देखिए, जो
10 जून को जो सुनवाई होगी उच्च न्यायालय क्या रिजल्ट निकालता है उस सुनवाई के अंदर, तो उसके बाद में जल्द से जल्द आपका आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। देखिए आरएएस का जो रिजल्ट है ये काफी समय से अटका हुआ है और जल्दी से इसको अब आरपीएससी को देना चाहिए ताकि आगे की जो भर्ती है उनके बारे में भी आरपीएससी को भी निर्णय लेना है और आगे की जो प्रक्रियाएं होनी है अभी भर्ती के अंदर उन प्रक्रियाओं को भी देखना है आरपीएससी को। आगे अब नई भर्ती भी निकालनी है आरएएस 2020 के लिए भी इनको जल्दी से जल्दी इनको निकालना है कि रिक्रूट करने के लिए रिक्रूटमेंट अभी नोटिफिकेशन देना है आरपीएससी को, इसीलिए 2018 का जल्द से जल्द रिजल्ट निकलना जरूरी है ताकि आगे की भर्तियां सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।